आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी क्रंची मसाला पापड़ी, मसाला मटरी भी आप इसे बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं, गर्मा गर्म चाय के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हैं और इसे आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका हल्का फुल्का कुछ खाने का मन हो तो आप इसे निकालिए और चाय के साथ इंजॉय कीजिए। तो चलिए मसाला पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। मसाला पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें 1 कप मैं मैदा डाल रही हूँ। आप चाहें तो मैदे की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे से बहुत ही अच्छी टेस्टी बनेगी। साथ ही साथ 1/2 कप मैंने सूजी ली है, ये बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटे वाली है तो आप उसे पीस लीजिए और फिर यूज़ कीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। 1/2 छोटी चम्मच हम नमक डालेंगे या स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच मैं इसमें साबुत जीरा डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन डाल लेंगे। अजवाइन को हथेली पर क्रश करके डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर उभर कर आएगा और बहुत ही अच्छी टेस्टी बनेगी। 1/4 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर डाल लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा लिया है मैंने, और 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। और साथ ही साथ 4 से 5 बड़े चम्मच हम यहाँ पिघला हुआ घी डालेंगे। आप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से बहुत ही ज़्यादा खस्ता और कुरकुरी बनेंगी। जैसे हम समोसे के डो में मोइन लगाते हैं, एकदम ऐसे लगाएंगे। मिक्स कर लेंगे इसे मसल मसल कर। देखिए मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप चाहें तो मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुट्ठी में होल्ड करके देख लेंगे, आटा बिल्कुल अच्छे से लग गया है। अब 1/2 छोटी चम्मच मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, या आप चाहें तो सूखे अगर करी पत्ता है तो वो भी ले सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा लगा लेंगे। एकदम सख्त हम आटा लगाएंगे, जैसे समोसे के लिए हम डो लगाते हैं, एकदम ऐसा डो लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हम इसका आटा लगाएंगे। देखिए मैंने आटा अच्छे से लगा लिया है, हल्का सा सख्त है ये देखिए, और इसमें सूजी है। अगर एक्स्ट्रा पानी भी होगा तो सूजी पानी को अच्छे से पी लेगी। अब थोड़ा सा तेल या घी से हम ऐसे ग्रीस कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए 15 से 20 मिनट हो गई है, आटा अच्छे से सेट हो गया है और देखिए पहले से थोड़ा सा कड़क हो गया है ये। थोड़ा सा घी डालकर हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे, जिससे ये चिकना हो जाएगा और जो भी क्रैक्स होंगे वो नहीं रहेंगे। देखिए अब इसे मैं कट कर लेती हूँ, जिससे जो भी हम लोइया बनाएंगे वो एक जैसी बनेंगी। 2 भाग कर सकते हैं आप, 4 भाग कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। अब एक लोई लेंगे और उसको अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे। ऐसे ही सारी लोइयां बनाकर हम तैयार कर लेंगे। सारी लोइयां बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं, अब हम बेल लेते हैं। तो किचन काउंटर पर थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया है और थोड़ा सा तेल हम बेलन पर लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। अगर आपको आटा थोड़ा पतला लगे तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा डाल लीजिए और तब इसे बेल लीजिए अच्छे से। ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, हल्का सा हम पतला रखेंगे। अब एक फोक की सहायता से इस पर प्रिक कर लेंगे ऐसे, जिससे जो भी हम पापड़ी बनाएंगे वो फूलेंगी नहीं। अगर फूल गई तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी। अब एक कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए या फिर ग्लास ले लीजिए, या कुकी कटर है तो आप वो ले लीजिए और इसे हम कट कर लेंगे एक जैसे भाग। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर ले लीजिए, या आपके पास अगर सर्कल वाला है तो आप वो ले लीजिए तो कट कर लेंगे। और एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा देंगे और फिर से बेल लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे हम तैयार कर लेंगे बेल कर। देखिए देखिए पास से दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे सारे। तो सारी ही पापड़ी मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पापड़ी फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। हल्का सा डो हम डालकर देख लेंगे। देखिए तेल अच्छे से गर्म है। एक बार तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रख लेंगे और तभी हम सारी पापड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो डाल लेते हैं पापड़ी और अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए इसमें हल्का सा कलर आ गया है, तो इसे अच्छे से अलट पलट कर हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए एक बार पापड़ी फ्राई करने में करीब करीब 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे अच्छी कुरकुरी होने तक। देखिए इसमें बहुत ही प्यारा कलर आ गया है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। तो अब एक टिश्यू पेपर पर हम इसे निकाल लेते हैं, सारी ही निकाल लेंगे और जो भी पापड़ी बच गई हैं उन्हें भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। देखिए मसाला पापड़ी बनकर तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची हैं। जब भी आपको छोटी मोटी भूख हो तो आप इनको इंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म चाय लीजिए और इनको इंजॉय कीजिए। और एक ख़ास बात, इन्हें आप स्टोर करके भी रख सकती हैं, करीब करीब 2 से 3 महीने के लिए आप स्टोर कर भी इसे रख सकती हैं। जब भी आपका मन हो आप निकालिए और खाइए। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।